दोस्तों एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाते हुए 5 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। अब शायद ये खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर ना करें, क्योंकि जब उनके मतलब की खबर होती है, उनके पार्टी के मतलब की खबर होती है, तो वो फटाक से सुप्रीम कोर्ट की खबर को शेयर कर देते हैं। लेकिन जैसे ही केंद्र सरकार पर सुप्रीम कोर्ट जुर्माना लगाती है, फटकार लगाती है, तल्ख टिप्पणियां करती है, तब प्रधानमंत्री जी ऐसी खबरों को शेयर नहीं करते हैं। कल ही जब ईवीएम वीवीपैट की जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी और उस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, तब मोदी जी अपने मंच पर जमकर भाषण दे रहे थे कि देखिए इंडी गठबंधन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बार बार फटकार खाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अब आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से केंद्र सरकार पर नाराज़गी जाहिर करते हुए 5 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मेघालय हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार को अदालत की नाराज़गी का सामना करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की खंडपीठ ने केंद्र सरकार के रवैये पर नाराज़गी का इजहार जाहिर करते हुए कहा कि आप हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने का फैसला कानूनी प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग कर रहे हैं। अदालत में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने का आपके पास कोई अधिकार ही नहीं है। कोर्ट ने नाराज़गी जाहिर करते हुए केंद्र सरकार को 5 लाख रुपये का जुर्माना भरने का भी आदेश सुना दिया। नाराज अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को चेतावनी दी जाती है कि वो भविष्य में ऐसी तुच्छ याचिका कोर्ट के अंदर दाखिल ना करे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पीठ ने कहा है कि हम हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि विशेष अनुमति याचिका को खारिज किया जाता है क्योंकि हाई कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता के वकील ने कहा था कि मामला पूरी तरीके से अदालत के पिछले फैसले को कवर होता है। इसके बाद हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील के बयान के आधार पर मामले का निपटारा कर लिया। और तो और आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट की पीठ हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रही थी। उच्च न्यायालय ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रखा और हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार की इस दलील पर गौर करने के बाद मामले का निपटारा भी कर दिया कि इसी तरीके की याचिका जो है पहले भी मैं खारिज कर चुका हूं और बार बार आप ऐसी याचिका कोर्ट के अंदर लेकर ना आए। सुप्रीम कोर्ट की अदालत ने याचिकाकर्ता पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए जुर्माने की रकम 8 सप्ताह के भीतर सशस्त्र बल युद्ध हताहत कल्याण कोष केंद्रा बैंक में जमा कराने की बात कही है। रक्षा मुख्यालय शाखा साउथ ब्लॉक में इस राशि को जमा किया जाएगा। उक्त राशि को उपरोक्त निधि में जमा करने के बाद याचिकाकर्ता को उसके बाद 1 सप्ताह के भीतर इस अदालत की रजिस्ट्री में पैसा जमा किए जाने का प्रमाण भी दाखिल करना होगा। इस तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर नाराज़गी जाहिर करते हुए पैसे के साथ साथ डिटेल वगैरह सब कुछ मुहैया कराते हुए कहा कि आप कानून का दुरुपयोग ना करें तो बेहतर होगा, नहीं तो आगे भी आपको भुगतना पड़ेगा अंजाम। दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।